अभी न्यायालय ने एक फैसला कर दिया कि ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में ही जाएगा। अगर मान लीजिए वो टॉप करता है वो तब भी ओबीसी में जाएगा। तो आपने एक तरीके से न्यायालय ने एक तरफ न्यायालय का ये है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, 49.5% आरक्षण है ओबीसी और एससी एसटी का। तो जब ओबीसी या एससी एसटी का कोई ऊपर मेरिट में जाने वाला है और जनरल कैटेगरी में आता है वो नहीं जा सकता है, इसके मानिए आपने देश की 15% जनसंख्या के लिए 50% रिजर्वेशन कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ राउत जी? 15% आबादी के लिए 50% आरक्षण और 85% आबादी के लिए 49% आरक्षण। जब न्यायालय इस तरह के फैसले देने लगेंगे तो आप लाइए आयोगों को, कुछ नहीं हो सकता। लगातार लोगों को, मेरा तो ये सुझाव है, अभी आप क्या करने वाले, ये जब आ जाएगा ये पिछड़ा वर्ग आयोग, इसी पिछड़ा वर्ग आयोग से आप इसमें फिर और वर्गीकरण कराएंगे, किन जातियों ने इसका आरक्षण जो है ले लिया ज्यादा, इन जातियों ने बहुत आरक्षण छीन लिया है ओबीसी में, इनने जो छीन लिया है एससी एसटी में, ये तो दिखाई पड़ता है सबको। लेकिन जो 50% में जिनकी आबादी 0.1% इस देश में नहीं है, वे 10-10% आईएएस, 15-15% आईएएस है, उनकी तरफ किसी का निगाह नहीं जाती। इसलिए मेरा सुझाव है ये झंझट हमेशा के लिए खत्म कर हो सकता है अमित शाह साहब, आप चाहें तो। इस देश में जातियों का पूरी जनगणना करा लीजिए जात वाइज और उसी के हिसाब से आरक्षण कर दीजिए, उसी के हिसाब से, कोई ओबीसी नहीं, कोई एससी एसटी नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई जनरल नहीं, आप केवल जात के आधार पर आरक्षण सारे देश में करा दीजिए। हम और पूरा बैकवर्ड और सारे लोग बहुत प्रसन्न होंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, वरना ये जो अब ये साजिश आगे चलेगी इस बिरादरी इस ओबीसी से इसको हटा दिया जाए, उसको हटा दीजिए, आप हटा दीजिए। पिछली बार एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के बारे में ये कह दिया था कि कम्युनिटी के लोग जो हैं इम्पोर्टेंट पदों पर हैं, और बाकायदा नाम लेके कहा था कि किस जात के हैं। मुझे मजबूरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे आंकड़े देने पड़े और बताना पड़ा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक आईजी यादव था, 8 कलेक्टर यादव थे और 9 या 10 एसपी थे, इससे बड़े अधिकारी आईजी से ऊपर एडीजी डीजी कोई था ही नहीं, एक एडीजी थे बाद में डीजी हुए बस। इतने बड़े राज्य में इतनी बड़ी आबादी के बाद कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी ये लांछन लगाए तो ये लगेंगे। आप देखिएगा आगे चल के ये जो आप बना रहे हैं, ये जो ला रहे हैं, इससे लाभ नहीं मिल पाएगा लोगों को। ये इतना तो मिल पाएगा कि जाति हो रही है वहां, डीओपीटी वाले कर रहे हैं तो कोई अपना कंप्लेंट कर दे तो उनको बुला ले, ये तो होने लगेगा। लेकिन जो असली जड़ है, जहां से सारी गड़बड़ियां शुरू होती हैं, आपकी इच्छा के खिलाफ भी फैसले कर देते हैं, उस जड़ में ये मंत्री जी बैठे हुए हैं, वहां आरक्षण कीजिए, न्यायपालिका पे आरक्षण कर दीजिए, कोई
न्यायपालिका में जब तक इनके हितों की रक्षा करने का वाला नहीं होगा कोई, तब तक आप कुछ भी करते रहिए, इन्हें न्याय नहीं मिल सकता। वरना ये बताइए, एक सेकंड सर, मेरा कितना भी टाइम है, और एक मिनट है, अब एक मिनट है, एक मिनट में बहुत कुछ कहा जा सकता है। ठीक सर, न्यायपालिका ने ये जो मैं ये कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि कुछ भी आप करना चाहें कर नहीं पाएंगे, तुरंत फैसला दूसरा आ जाएगा। भाई तो आप लोगों की कैबिनेट के फैसले को बदल देते हैं लोग। 13 जजों का फैसला, इंदिरा सानी केस का तो सबसे बड़ा बेंच थी, उसका फैसला था, उसी का फैसला था ये आरक्षण वाला, और ये कह दिया कि ये लोग नहीं जा पाएंगे जनरल कैटेगरी में। ये एक जज का फैसला था, वो भी हाई कोर्ट का था। हाई कोर्ट का एक जज सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच के खिलाफ फैसला दे सकता है और वो लागू हो जाता है। प्लीज, तो इस पर विचार कीजिएगा। जब तक आप जुडिशरी में आरक्षण नहीं देंगे और ये कीड़ा जब तक दिमाग में पाले रहेंगे कि भाई बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट में यादवों ने जाटवों ने आरक्षण ले लिया है, तो मैं कहता हूं ठीक है, जातवाद कर दीजिए सबका, हमें कोई एतराज नहीं, कर दो जातवाद। तो 0.5%, 1%, 3%, 2%, 0.1% भी नहीं आएगा नंबर, जो अभी सब कुर्सियों पर बैठे हुए सब। राइट रंगोपाल जी, इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो बनात रहे हैं, आगे अगर इस तरह की कोशिश होगी कि इसका भी विभाजन किया जाए, तो फिर आंदोलन इस बात का होगा कि इस देश में जात के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण हो। थैंक यू श्री। थैंक यू।